अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे ना। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज जो है ना माशाल्लाह 12वां रोज़ा हो गया और माशाल्लाह रमज़ान इतने अच्छे जा रहे हैं, बारिशें भी हो गई हैं, मौसम इतना अच्छा चल रहा है ना कि माशाल्लाह सबके रोज़े बहुत अच्छे ठंडे गुजर रहे हैं। तो आज लेकिन मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाह रही थी जो बहुत कम घरों में बनती है शायद ना। तो लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियो पे आने वाले नए व्यूवर्स जो हैं वो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें ना। तो हाँ, तो मैं वीडियो की बात कर रही थी ना, आज मैं जो है ना आप लोगों के साथ करेले की और चिकन करेले की सब्ज़ी डिश चिकन करेले की डिश आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो बहुत कम ही घरों में बनती होगी। करेले तो अक्सर घरों में बनते, लेकिन ये मेरी अपनी बनाई हुई डिश है ना। तो एक बार घर में बनाया था तो बहुत बहुत पसंद आया सबको, फैमिली मेम्बर्स को। तो उसके बाद फिर अक्सर बनते ही हैं जब भी करेले आते, लेकिन जो है मैंने सोचा कि चलें सबको तो बहुत पसंद है, मैंने सोचा चलें अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों को कैसे लगते हैं ना ये। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार बनते हैं और एकदम ऐसे वाली रेसिपी होती है ना बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको बहुत पसंद आएगी ना इंशाल्लाह। तो और मेरी वीडियो को देखा करें और शेयर ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें ना, आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है। और मैं बहुत ज़्यादा लाउडली बात कर रही हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना आवाज़ सही आ रही होगी ना। तो देखते हैं कि जो ना मैंने कैसे बनाए हैं और आप लोग भी ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा भी ना कि आप लोगों को कैसे लगे। चलते हैं वीडियो, देखते हैं किस तरह बने करेले की सब्ज़ी, नहीं चिकन करेले की डिश। जी तो यहाँ मैंने ना ऑयल गर्म कर लिया और मैंने करेले काट के और जो है वो मैंने नमक लगा के ना तो इनको धूप में रख लिया था। उसके बाद मैंने इनको धो के और खुश्क करके जो है ना पानी निचोड़ लिया इनका और फिर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ ना। इनको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करूँगी। करेले की बनाना तो जो है हर कोई बना लेता है, लेकिन ये बहुत तसल्ली का काम होता है, बहुत हल्की आंच पे और बिल्कुल आराम से इसको फ्राई करना होता है, वरना जो है वो कड़वास आ जाती है ना इनके अंदर। बिल्कुल हल्की आंच पे आप इनको लाइट ब्राउन करेंगे ना, हल्के से बस गोल्डन करने देखें इस तरह के, तो इसमें जो ना कड़वास नहीं आएगी। अक्सर लोगों के करेले कड़वे हो जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप लोग बनाएंगे ना, धोने के बाद इनका पानी लाजमी निकाल लेना, इनको निचोड़ लेना है ना। देखिए मेरे करेले फ्राई हो गए इस तरह के, इस तरह रखने आपको लाइट ब्राउन फ्राई करने। उसके बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे, इसमें प्याज भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में डलती है, तकरीबन ये 1 पाव के करीब प्याज है और आधा किलो मैंने करेले लिए और आधा किलो ही इसमें चिकन डलेगी ना। प्याज को भी हम हल्की आंच पे लाइटली जो है वो ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है जो ये थोड़ा सा नरम हो जाए और कच्ची कच्ची नहीं रहे ना। देखें बिल्कुल हल्की आंच पे करना है हमें, तो करेले बनाने में टाइम काफ़ी लग जाता है, काफ़ी टाइम किचन में खड़े रहना पड़ता है। ये देखें बिल्कुल हल्की आंच पे हमने काम करना है और ये इतने अच्छे से देखें बिल्कुल लाइट ब्राउन किया हमने। इसके बाद इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे ना, इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट को फ्राई करके फिर इसमें हम टमाटर और मिर्ची हरी मिर्ची कटी हुई को डाल देंगे, तकरीबन ये 3 अदद टमाटर हैं बड़े साइज़ में ना। इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे और उसमें मसाले भी साथ ऐड कर देंगे, मिर्ची धनिया और हल्दी और नमक। नमक हमने क्योंकि करेलों में डाल के रखा हुआ था, लगा के रखा हुआ था, लेकिन इसमें हमने नमक बिल्कुल ही कम रखना है, कम डालना है मसाले में हमने नमक, वरना सालन में नमक तेज़ भी हो जाता है ना, इसमें हमने कम ही डाला। उसके बाद हम ये मसाला जब थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। इसमें हमने पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, ये चिकन अपने पानी में गलेगी, इसको थोड़ा सा फ्राई करके ना इसको ढक देंगे, बिल्कुल पानी नहीं डलेगा इसके अंदर, एक कतरा भी पानी नहीं जाएगा। अब जो पानी चिकन छोड़ेगा ना तो ये उसी पानी में चिकन गल जाएगा। इसको हम इस तरह करके ना तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको जो है ना हम ढक के रख देंगे, देखें ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए ना।
जिसको हम ढक देंगे, ये गल जाएगा। ये देखें, ये अच्छी तरह से अपने ही पानी में गल जाएगा। और ये ढक दिया तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ेदार सा, बहुत अच्छा सा जायका आएगा। इसमें पानी तो डालेगा नहीं। देखें अभी हमने इसमें करेले डाल दिए, करेले डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसे और हम जो है वो हल्की आंच पे ना इसको दम लगा देंगे। दम पे रखना है, तब रख के इसको हम दम लगाएंगे ताकि ये नीचे से ना वो जले नहीं ना। बहुत मज़ेदार डिश बनती है, मेरे को तो अभी भी देख के मुँह में पानी आ रहा है। बहुत मज़ेदार बने थे ये, और आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने पे। इसको हम ऐसे हल्के आंच पे इसको दम लगा देंगे। अब ये कि देखें ये तैयार होगा। इस पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाला है और हरा धनिया कट करके ना वो इसमें डाला है। ये बहुत मज़ेदार बने थे और इनको बस हमारे समझे तैयार कर ले। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी करेले की डिश, चिकन करेला की डिश। तो आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और मेरे लिए बहुत सारी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला कामयाब करे और मेरी हौसला अफजाई करिएगा। कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की उम्मीदों पे पूरी उतर सकूँ। अभी स्टार्टिंग है, अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा शायद आपकी मैार पे पूरा नहीं उतर रही हूँ, फिर भी कोशिश करूँगी। आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। मैं इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी और जितना हो सकेगा। और आप लोगों की बहन भाइयों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी बहन को, और मेरे लिए दुआ करिएगा। मेरे लिए जो ना मेरे लिए बहुत हौसला अफजाई करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। जो मैंने ये वीडियो बनाना शुरू करिए, ब्लॉगिंग स्टार्ट करिए, तो जो है ना आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा मेरे लिए दुआ करिएगा, मुझे याद करिएगा अपनी दुआओं में। तो जो है ना अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।